माला قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله العلم فريضة على كل مسلم قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم طلب کرنا، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ مختصر سی حدیث لیکن جامع ہے، جو ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ یہ امت علم کی امت ہے اور اس کا رشتہ علم سے پختہ ہے، کیونکہ علم ہی سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی پہچان اور اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت، بلندی اور پھر اس کی مخلوقات میں اس کی جو صناعی ہے، پھر اس کے جو احکام ہیں، دنیا کی حقیقت، آخرت کی عظمت، جنت دوزخ، ان سب کا تعلق علم سے ہے۔ تو اس لیے اس دین کی بنیاد علم ہی پر رکھی گئی، سب سے پہلی وحی بھی علم ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے بنایا۔ اقرأ ربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب عزت والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ یہ غور کی بات ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرأ سے شروع ہوئی، پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا اور قلم کا تذکرہ ہے، سیکھنے سکھانے کا تذکرہ ہے۔ تو اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے پڑھنا، سیکھنا، کتاب کا استعمال کرنا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کہا ہے، قرآن کہا ہے، قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی کتاب، قرآن سے ہے قرآن۔ تو اس امت کا المیہ یہ ہے کہ اس نے اس کو بھلا دیا ہے، علم سے رشتہ اپنا توڑ لیا ہے، علم سے تعلق اس کا کمزور ہو گیا ہے اور اس کی جو پسپائی اور انحطاط اور کمزوری ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی کہ علم سے اس کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ علم کو ثانوی درجہ نہیں، علم کو اول درجہ دینا چاہیے، نمبر ایک درجہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے تو صرف وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، وہی ڈرتے ہیں اللہ سے، وہی ڈرتے ہیں صرف جو علم رکھتے ہیں، اور علم سے مراد نفع بخش علم۔ حدیث شریف میں پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے، اور من قلب لا یخشع، ایسے دل سے جو تیرا خوف نہ رکھے، ڈرے نہیں، من عین لا تدمع، اور ایسی آنکھ سے جس میں آنسو نہ آئے۔ تو
आजकल हम लोगों के इलाके में और ज़्यादा इल्म की कमी है, इल्म की कमी है, जहालत है, नादानी है, क़यामत की अलामत में इसको करार दिया गया है। इन्ना मिन अशराती साअती अन युरफ़अ अल-इल्मु व यथबुता अल-जहलु, क़यामत की अलामत में से है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत पुख्ता हो जाएगी, डेरे डाल देगी, ज़मीन पर जहालत का गलबा हो जाएगा। ये क़यामत की अलामतों में से है। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम अपने इलाके को कैसे जहालत से और नवाकफियत की तारीकी से निकालें और इल्म की शमें कैसे रोशन करें। हमारे इलाके में इल्म की शमें रोशन होना चाहिए, इल्म के मीनारे कायम होना चाहिए और हमारे बच्चों को हम इल्म की तरफ रग़बत दिलाएं, उनको इल्म ख़ासतौर से क़ुरान का इल्म, हदीस का इल्म, इसकी तरफ हम अपने बच्चों को मुतवज्जह करें। क्योंकि सिर्फ हाफिज़ क़ुरान हो जाना, हम देख रहे हैं माशाल्लाह कि हाफिज़ क़ुरान तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन हाफिज़ क़ुरान होना ये काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि पुराने उलमा क़ुरान पढ़ते थे, वही उनके लिए क़ुरान का इल्म था। अब क़ुरान पढ़ना हमारा अलग होता है और कुरान जानना नहीं होता है। पहले कारी लफ्ज़ आता था तो उसका मतलब कुरान समझना, अब कारी लफ्ज़ अलग हो गया, आलिम अलग हो गया। क्योंकि हमारी अरबी ज़बान नहीं है, हमारी ज़बान अरबी नहीं है, इसलिए वो कुरान का इल्म अलग है और कुरान के अल्फाज अलग हैं। अल्फाज का तो अपना असर है ही, इसकी अजमत है ही, लेकिन जो कुरान के असल मानी है, जो हिदायत है और रहनुमाई है, वो उसका इल्म हासिल करेंगे तब आएगी। तो इसीलिए इल्म की फजीलत बड़ी बयान की गई है कि आबिद से भी बढ़कर है, इल्म की फजीलत आबिद से बढ़कर है। आबिद वो नसारा में बहुत होते थे, आबिद नसारा में, ईसाइयों में, लेकिन इल्म की कमी थी उनके अंदर, ईसाइयों के अंदर इल्म की कमी थी, तो क्या हो गए, वो गुमराह हो गए। इल्म की कमी की वजह से बह जाता है इंसान। और इस्लाम में जिस चीज़ की जितनी अहमियत है आपने कम कर दी तब भी गुमराही, उसकी अहमियत को बढ़ा दिया तब भी गुमराही। तो इल्म ये भी बताता है, एहतदाल भी सिखाता है, किसकी किसका कितना दर्जा है, किसकी कितनी अजमत है, किसको किस तरीके से इख्तियार करना है, उसमें एहतदाल कायम करना है, ये सब इल्म सिखाता है। ईसाइयों ने वो खुदा का बेटा इसीलिए मान लिया, उनके पास वलद्दालीन जो कहा जाता है कि हमें गुस्सा जिन पर तेरा नाजिल हुआ उनके रास्ते से हमें बचा, और जो भटक गए हैं जो लोग उनके रास्ते से हमें बचा। गुस्सा जिन पर नाजिल हुआ, यहूद पर, यहूद की बीमारी थी अमल में कोताही, और इल्म के ज़रिए से दुनिया चाहना। तो ये आलिमों के लिए ये लम्हा है, फिक्रिया है कि आलिम यहूदियों की मुशाबहत से बचे, अपने इल्म से दुनिया ना कमाए, अपने इल्म को बेचे नहीं, अपने इल्म की लाज रखे, दुनिया का हरीस ना हो, रिश्वत ना लेता हो, और गलत मसाइल ना बताता हो, लोगों को गुमराह ना करता हो, ये यहूदियों ने किया। तो किसी ने, किसी बुज़ुर्ग ने कहा है जो बड़े आलिम थे कि मन फसद मिन उबादिना फी शबह मिन नसारा, हमारा जो आबिद बिगड़ता है गुलू की वजह से, गलत इबादत कर रहा है लेकिन गुलू कर दे रहा है, जिस चीज़ का जितना मकाम है वो नहीं दे रहा है, या तो उससे बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा है। नफल को अगर फर्ज के दर्जे में कर लिया किसी ने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ वाजिब नहीं की है उसको वाजिब समझ लेना, फ़र्ज़ समझ लेना, उसको फ़र्ज़ जैसा करना, ये भी
गुमराही। और जो फर्ज है उसको इतना समझना कि इख्तियारी है, वो चाहे करें चाहे ना करें, ये भी गुमराही। तो जो हमारा आबिद बिगड़ता है तो वो नसारा के मुशाबे हो जाता है, हमारा जो आलिम बिगड़ता है वो यहूदियों के मुशाबे हो जाता है। फरमाए तो दोनों की ज़रूरत है, इल्म की सही रोशनी हासिल हो और फिर उस रोशनी के मुताबिक आदमी अमल करे। ख्वाहिशात नफसानी होगी तो फिर वो यहूदियत आएगी, ख्वाहिशात उनकी वजह से उन्होंने हेरफेर कर दी, तहरीफ कर दी, अपनी तरफ से तहरीफ करने लगे वो कुरान उसमें तौरात में, और नादानी की वजह से जो गुमराही आएगी वो नसरानियत होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अल्लाह ला यक़्बिज़ुल इल्म इंतज़ान यंतज़िउहु, कि अल्लाह ताला इल्म को ऐसे नहीं छीनेगा कि उठ जाए एकदम इल्म। किसी ने पढ़ा, 9 साल पढ़ा, अब पता चला फिर सीना खाली हो गया, ऐसे नहीं। वलाकिन यक़्बिज़ुल इल्म बिफ़ज़्लि उलमा, अल्लाह ताला इल्म को उठाएगा उलमा को उठाकर, उलमा उठते रहेंगे, नए लोग सीखने वाले नहीं होंगे, उनका इल्म उनके साथ चला जाएगा, किताबों में रहेगा लेकिन सीने में नहीं रहेगा, लोगों को नहीं मालूम होगा, तो फिर लोग जाहिल लोगों को सरदार बना लेंगे, तो बगैर इल्म और बगैर इल्म के फतवा देंगे, अबल्लू अबल्लू, और वो गुमराह होंगे खुद भी और दूसरों को भी गुमराह करें। तो इसलिए अपना इलाका और इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो, इसकी आप में से जो बाशऊर हजरात हैं वो उनकी ये फिक्र होना चाहिए, और बड़ी उम्र के बाद भी खुद आपको भी फिक्र होना चाहिए कि हम भी कैसे जो ज़रूरी मालूम हैं वो कैसे हासिल करें, और हमारे यहाँ इल्म का चर्चा कैसे आम हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन खरज फी तलब इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह, जो इल्म के रास्ते में निकला, इल्म हासिल करने के लिए निकला, वो अल्लाह के रास्ते में, वो मुजाहिद की तरह से उसको करार दिया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मुजाहिद का दर्जा दिया है। और इल्म की ये बड़ी सबसे बड़ी फजीलत क्या है कि उलमा अल्लाह के अंबिया के वारिस करार दिए गए। अब तो अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया है, अब सबसे बड़ा दर्जा क्या बचा है, विरासत अंबिया, अंबिया की नियाबत बची है, तो आपके बच्चे वो नबियों के वारिस बन जाए, इससे बड़ा और कोई दर्जा दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसलिए आप में से सब लोग ये तय करें इंशाअल्लाह ताला कि हम जो बड़े हो गए हैं वो भी इल्म हासिल करेंगे। एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कौल नकल किया हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला के, तअल्लुमुल इल्म क़ब्ल अन तुसव्वदु, कि सरदार बनाए जाओ, शादियाँ हो, बड़े हो जाए, कुंबे कबीले वाले हो जाओ, उससे पहले इल्म हासिल कर लो। फिर इमाम बुखारी ने कहा ये तो बात अपनी जगह पर है, बाद में मशगूलियात हो जाती है, फिर कहा कि बाद में भी इल्म हासिल कर लो बड़े होने के बाद भी, क्योंकि सहाबा उन्होंने दलील दी कि सहाबा ने सबने बड़े होकर इल्म हासिल किया, क्योंकि हुजूर आए तो कोई 40 साल के हैं, कोई 50 साल के हैं, किसी के पोते हैं, किसी के नवासे हैं, सबने इल्म हासिल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इल्म की कोई उम्र नहीं होती है, इल्म की उम्र मुकर्रर है, या इल्म की कोई जगह भी ज़रूरी नहीं है, जहाँ आप बैठ गए और इल्म सीखने लगे वही मदरसा बन गया। अब मदरसे की मरकज इमारत बाद में बनती है, पहले दिलों के अंदर उसका जज्बा पैदा होता है और उसकी रग़बत पैदा होती है, फिर बाद में मरकज को खुद बन जाते हैं, रिंद जो ज़र्फ़ उठा ले वही साकर बन जाए, जिस जगह बैठ के पी ले वही मेखाना बने। तो जब इल्म की तलब हो जाएगी तो फिर खुद इंशाअल्लाह ताला मरकज खुद खुल जाएगी, पहले इल्म की तलब होना चाहिए। तो सब इंशाअल्लाह ताला तय करें कि हम इल्म की तलब करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो बातें ज़रूरी हैं, फराइज हैं, जिम्मेदारियां हैं हो जानेंगे, जो हराम हैं हो जानेंगे, और दुनिया और आखिरत की बातें जानेंगे,
कुरान मजीद में क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला फरमाता है उसको मालूम करेंगे, और ये भी तय करें इंशाअल्लाह ताला कि हम अपने बच्चों को भी इल्म दीन के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपनी औलाद को, ताकि नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता चला जाए और इस्लाम की बका की जमानत हम ले लें इंशाअल्लाह ताला। आज जमात के एतबार से, दावत के एतबार से भी ये बयान का दिन है, और उसकी मुनासबत ये है कि ये भी एक रास्ता है इल्म हासिल करने के, मुख्तलिफ ज़राए में से ये भी एक ज़रिया है। इसके ज़रिए से भी जो चलता फिरता मदरसा है उसके ज़रिए से भी हम इल्म हासिल कर सकते हैं, तो हमें इसके ज़रिए से भी हमें इल्म हासिल करना चाहिए। ये भी एक ज़रिया है, मुख्तलिफ ज़राए हैं, बिल्डिंग ज़रूरी नहीं है जैसे कि अभी हमने अर्ज़ किया बस जहाँ हम सीखने सिखाने के लिए बैठ गए वह इल्म हो गया। हमारी मस्जिदों में भी हल्के लगना चाहिए, इल्म के हल्के लगना चाहिए, और जैसे हम नुक्कड़ पर बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, मस्जिदों में भी हमने बना लिए नुक्कड़ और अपने दुनिया के बातें करने का जरिया। यहाँ अगर बैठे तो यहाँ सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन वो इल्मी बातें करते थे, और दुनिया की हमने वो बाजारों में भी मदरसे चला मदरसे कायम कर लेते थे, वहाँ भी मदरसा होता था उनका, हमने मस्जिद को भी बाजार बना लिया है। तो ये एक अलमिया है, दुनिया में बातें करते हैं हम मस्जिदों में बैठ करके। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग सब इल्म की कोशिश करें और इल्म के ऊपर तवज्जो दें, और इल्म का एक ज़रिया है ये जमात में निकलना, वहाँ भी हम इल्म से इश्तिगाल रखें और इल्म के मुताबिक अमल भी सीखें। तो इसके लिए आइए तशकील कर ली फरमाइए कौन तैयार है फरमाए भाई अल्लाह के रास्ते में निकल के कुछ सीखना है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाद जमाते जाएंगे अपने यहाँ से पाँच माह के लिए और फरमाए मेरे को पाँच माह जाने के लिए चार माह यहाँ पे रहना जरूरी है, इसलिए चार माह